मॉर्निंग बच्चों, हमने पिछले अवधि में नफे के चक्कर में यह पाठ हम देख रहे थे। तो उस लेसन में बाबू भाई इस व्यक्ति के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। नफे के चक्कर में यानी लाभ के पीछे पीछे भागना, वैसे ही बाबू भाई भी क्या है, नारियल खाने का मन हुआ था उसको, तो इसीलिए वो क्या है, कैसे कम पैसे में कहाँ मिलेगा, यही वो क्या है सोचते सोचते क्या है आगे बढ़ रहा है। तो अब वो बंदरगाह तक आया था। बंदरगाह यानी समुद्र के तट पर आकर रुका है। वहां तक हम पिछले अवधि में हमने देखा था। आगे हम आगे की ओर अब बढ़ेंगे। तो जब बाबू भाई बंदरगाह आता है तो वहां एक नाव वाले को पूछता है, उसके सामने चार पांच नारियल थे, वो देखकर बहुत अच्छे नारियल थे, तो वो नारियल देखकर बाबू भाई क्या है उस नाव वाले को पूछते हैं कि इस नारियल का दाम क्या है। उस पर वो क्या बताता है, देखिए नाव वाला, काका यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। बाबू भाई को भी 50 पैसे में ही चाहिए थे, तो वो सही जगह क्या है आए थे बाबू भाई। 50 पैसे, बाबू भाई हक्के बक्के हो गए। 50 पैसे जैसे ही वो नाव वाला बताता है तो बाबू भाई हक्के बक्के हो गए, यानी वो चकित हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे। देखो बाबू भाई को 50 पैसे में ही चाहिए थे, फिर भी वो क्या कह रहे हैं नाव वाले को कि मैं इतनी दूर से थका हुआ आया हूँ और तुम 50 पैसे दाम बता रहे हो, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हुए, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसे कहते हुए बाबू भाई झुक कर नारियल उठाने वाले ही थे। बाबू भाई क्या कहते हैं कि मैं इतने दूर से थका हुआ आया हूँ, मेरी मेहनत सब बेकार गई, बेकार यानी व्यर्थ, तो मुझे सिर्फ 25 पैसे में दे दो। 25 यानी 25 पैसा, 50 50 पैसा, 25 25 पैसा, तो 25 पैसे में क्या है मुझे नारियल दे दो। ऐसे वो कहते हुए उसके हाथ में 25 पैसे रखने लगे, और उन्होंने क्या है नारियल उठाने के लिए वो क्या करते हैं झुक जाते हैं। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। नारियल वाला क्या कहता है कि मेरे साथ कुछ सौदा वौदा यानी व्यापार कुछ नहीं चलेगा, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। वो नारियल वाला क्या कहता है कि आपको 25 पैसे में चाहिए तो आप नारियल बाग भी चले जाइए, वहां आपको मन पसंद जितने चाहिए उतने नारियल मिल जाएंगे, वो भी आपके दाम में। बाबू भाई ने फिर से अपने आप को समझाया। बाबू भाई में देखो लालच कितनी है, वो फिर मन ही मन सोचते हैं, हाँ 50 पैसे से 25 से ही कम मिलता है तो क्यों ना हम आगे बढ़े। इसीलिए बाबू भाई मन ही मन अपने आप को समझाते हैं, इतनी दूर आया हूँ अब बगीचे में जाने में क्या हर्ज है। बाबू भाई क्या सोचते हैं, घर से इतने दूर में पैदल चला आया हूँ तो बगीचे में जाने तक क्या हर्ज
भाई बहुत ही थक चुके थे, लेकिन लालच वो वैसे हमें कर देता है। तो लालच बुरी बात है, तो इसीलिए लालच में पड़े थे बाबू भाई। आसे आसे नोड़ी मनुष्य भाड़ आसे केट, अधिके ना आसे वल्ले दन्न बयस बेकु, केट दन्न आसे इतगो बार्दु। इसीलिए बाबू भाई थक चुके थे, फिर भी वो क्या करते हैं, इतने दूर आया हूँ तो बगीचे में जाने के लिए क्या हर्ज है, से वो मन ही मन सोच कर अपने आप को समझा कर समझाते हैं। मगर 25 पैसे बचाने के लिए ख्याल से ही उनमें पूर्ति आ गई थी। देखिए सिर्फ 25 पैसे 25 पैसे बचाने के लिए उनमें फिर क्या है, उत्साह आ गया। बाबू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। नोड़ी अष्ट आसे नोड़ी 25 पैसा उलसलिके और ऐन मारतारा मत्ते तेंगेने तोटा नारियल का बाग तेंगेन तोटा एनिर्तावु अल्ली तना अवरु अष्टु अवरिगे एक्चुअली वो बहुत थक गए थे, फिर भी वो क्या है वहां तक चले जाते हैं। वहां के माली को देखकर उसने पूछा, उस नारियल बाग को रखवाली करने के लिए वहां एक माली बैठा था, तो उस माली को वो क्या है पूछते हैं, यह नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक। वो नारियल यानी माली क्या कहता है कि आपको जो पसंद है जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए नारियल, और सिर्फ 25 पैसे मुझे दे दीजिए। ऐसे माली क्या है बाबू भाई को कहता है। बाबू भाई क्या कहते हैं देखिए, हे भगवान 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, ये नारियल मुफ्त में दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। देखो बच्चों बाबू भाई क्या कह रहा है, जैसे ही माली ने 25 पैसे बताए तो बाबू भाई क्या कहता है कि मैं पूरा रास्ता पैदल चला आया हूँ, तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे ही दे दो, मुफ्त में दे दो, ऐसे वो पूछता है माली से। बाबू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वह माली क्या कहता है, आपको मुफ्त में चाहिए ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, आपको मुफ्त में चाहिए तो खुद ही क्या है आप पेड़ पर चढ़िए और जितना चाहे उतना नारियल तोड़ लो, ऐसे माली कहता है। सच जितना चाहूं ले लूं, बाबू भाई तो खुशी से फूला ना समाए, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही माली उन्हें क्या कहता है, आपको मुफ्त में चाहिए तो आप खुद नारियल के पेड़ पर चढ़िए और जितना चाहे उतना ले लीजिए, तब बाबू भाई क्या है बहुत खुश हो जाता है, अधिक प्रसन्न हो जाता है, और वो क्या करते हैं, खुद इतने थके हुए थे फिर भी वो क्या है खुद ही पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने चार नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं, क्या बात है।
और वो क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब पेड़ पर चढ़ रहे थे तभी वो सोचते हैं कि कितना अच्छा है, देखो मेरा नसीब कितना अच्छा है, देखो कि जितने चाहे मैं नारियल तोड़ सकता हूँ और वो भी मुफ्त में। बाबू भाई ऊपर चढ़ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। देखो इधर भी बाबू भाई अपने लालच दिखा रहे हैं। वो जब पेड़ पर चढ़ते हैं तब जो आगे है वो नारियल तोड़ने की बजाय वो क्या करते हैं, जो बड़ा नारियल है वो तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। जब पैर फिसल गया तभी क्या हो जाता है, बड़ा नारियल तोड़ने के लिए बाबू भाई हाथ बढ़ाते हैं दोनों हाथ, तभी क्या हो जाता है, उनका पैर फिसल जाता है। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ा, तब बाबू भाई क्या करते हैं, नारियल को पकड़ते हैं, लेकिन वो क्या है, दोनों पाँव उनके जो वो चढ़े थे वो पाँव फिसल जाते हैं और दोनों पैर हवा में झूल रहे थे। बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। बाबू भाई उस माली को कहते हैं कि अरे भाई जरा मदद कीजिए। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैं ये सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और नारियल के बीच का मामला है। नारियल माली क्या कहता है कि आपको मदद करना वो मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ आपको नारियल लेने के लिए कहा था, इसलिए आप जाने और आपका नारियल आप दोनों के बीच का वो मामला है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसे वो माली कहता है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। जैसे ही बाबू भाई लटक रहे थे नारियल के पेड़ पर, दोनों हाथ से नारियल उन्होंने पकड़ा है और वो लटक रहे हैं, इसलिए वो बाबू भाई क्या करते हैं, माली नारियल के बगीचे का जो माली है उसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो माली क्या है, मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि 25 पैसे में देने के लिए, नारियल देने के लिए तैयार था माली, लेकिन बाबू भाई क्या है, मुफ्त में लेना चाहते थे, इसीलिए वो माली कहता है कि आप मुफ्त में चाहिए तो आप ही पेड़ पर चढ़ जाइए और जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन लालच में आकर बाबू भाई पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वो बड़ा नारियल लेने के लिए हाथ फैलाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके पैर फिसल जाते हैं और वो झट से वो नारियल पकड़ते हैं, लेकिन वही लटकते रहते हैं। इस तरह बच्चों और थोड़ा बचा हुआ है वो मैं अगले अवधि में क्या है पूरा करती हूँ। बच्चों इतना जितना आज मैंने सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा ऐसे मैं सोचती हूँ बच्चों। तो हम नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट अवधि में मैं कंटिन्यू करूंगी। समझ में आया बच्चों? ओके, धन्यवाद।